हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप अपने फेसबुक के स्टोरी में सॉन्ग लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फेसबुक के स्टोरी में अपने मन पसंद का सॉन्ग कैसे लगा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। अब यहाँ पे हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप अपने फोन में फेसबुक को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम स्टोरी में सॉन्ग कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फेसबुक पे आ जाइए और यहाँ पे आपको स्टोरी लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने इस क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करना होगा प्लस पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे चीजें आ गई हैं। नीचे हमारे सारे गैलरी के फोटोज वगैरह आ गया है। यहाँ पे हमें म्यूजिक लगाना है स्टोरी में, तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर में म्यूजिक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप किसी फोटो पे म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आपको नीचे से फोटो सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पे मैं देखूंगा कि सिर्फ हम म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं। बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक हमें दे देगा। इसके लिए हमें म्यूजिक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने सारे म्यूजिक के लिस्ट, यहाँ पे सॉन्ग के लिस्ट खुल के आ जाएंगे। जो भी सॉन्ग आपको लगाना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सॉन्ग यहाँ पे आपको सारे सॉन्ग मिल जाएंगे। ऊपर में आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है तो। जैसे यहाँ पे मैं एक सॉन्ग है इसे सर्च कर लेता हूँ, जैसे ये खैरियत सॉन्ग, यहाँ पे मैं इस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉन्ग जो है वो यहाँ पे बजना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा फ्रेम आप लगाना चाहते हैं सॉन्ग का। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसे भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप इसका बैनर लगा सकते हैं। इस टाइप के अलग अलग फीचर दिए हुए हैं तो मैं फिलहाल इसे ही रहने देता हूँ। इसका कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कलर यहाँ पे दिया हुआ है, फिलहाल मैं वाइट ही रहने देता हूँ। उसके बाद फिलहाल यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड सिलेक्टेड हो गया है। तो अभी हमें नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऊपर में डन पे। डन पे क्लिक करने के बाद अब देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अलग अलग कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, काफी बढ़िया लग रहा है। और आप चाहें तो इसे भी ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो लिखा हुआ आ रहा है ना इसे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद सब होने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे कुछ अपने से भी लिख सकते हैं, उसके बाद स्टिकर वगैरह आप ऐड कर सकते हैं इसमें। फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे शेयर टू स्टोरी पे क्लिक करना है। अब ये प्रोसेसिंग होगा और आपके स्टोरी में शेयर हो जाएगा। सो देख सकते हैं ये अभी अपलोडिंग हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्टोरी में सक्सेसफुली अपलोड हो गया। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार हम क्लिक करके स्टोरी को देख लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टोरी है वो यहाँ पे इस तरह से आ गया है। काफी बढ़िया लग रहा है और सॉन्ग भी प्ले हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है अपने फेसबुक स्टोरी में सॉन्ग लगा सकते हैं।